मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके में एक 7 साल के बच्चे की उस समय मौत हो गई जब पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी के विवाद में हुई फायरिंग के चलते बच्चे को गोली लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना सिविल लाइन इलाके की हिमगिरी कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाले 7 साल के बच्चे पुनीत और उसकी माँ को गोली लग गई। खून से लथपथ दोनों को इलाज के लिए तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर कुछ देर बाद इलाज के दौरान 7 साल के पुनीत ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गोली चलने की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच करते हुए गोली चलाने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल घटना सुबह उस समय की बताई जा रही है जब 7 साल का पुनीत अपने घर की छत पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ रहने वाले रूप सिंह और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था, जिसमें रूप सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी पर फायर कर दिया, जो सामने की छत पर बैठे पुनीत और उसकी माँ को जा लगी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को हिरासत में ले लिया और बच्चे की बॉडी का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम की तैयारी में है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अजय जी, क्या था पूरा मामला? ये सर, मैं जो अपनी साइट पे था, गाँव में मैं साइट पे था, हमारे पीछे ये दुर्घटना हुई है। हमारे बच्चे छत पे खेलते हैं रोज, आज भी खेल रहे थे। हमारे जो सामने वाले हैं रोज ही लड़ते हैं, उनके बच्चों की भी आदत खराब है, उनकी भी आदत खराब है और हमसे हमेशा रंजिश रखते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसने जो पहले ही बंदूक निकाली थी और उसका छोटा भाई है जिराज, वो भी तमंचे लेकर घूमता है, वो भी दिखाता है कि हाँ हम तमंचे वाले हैं। हमसे पहले से रंजिश रखते हैं और अचानक ही क्या हुआ, अचानक हमारे बेटे के ऐसा गोली, ऐसी जगह गोली मारी जो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, उसकी माँ के भी गोली लगी है। लाइसेंसी हथियार है? हाँ, लाइसेंसी है और उसकी माँ की भी सीरियस हालत है। क्या वजह का पता नहीं है, मैं घर पर नहीं गया हूँ, मैं यहाँ पर ही आया हूँ डायरेक्ट, अभी वजह पूरी नहीं पता। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये एक व्यक्ति है जिसका विवाद चल रहा था और इसने अपनी बंदूक से फायर किया जो सामने वाले घर की छत पे एक बच्चे और एक महिला को लगी, जिसमें बच्चे की अभी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और महिला का भी इलाज चल रहा है। इसमें जो आरोपी है इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मानसिक रूप से कमजोर है? अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई।